वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कुर्बानियां दे भरे दिनां विच सतगुरां दे पावन दरबार दीआं हाजरियां भरदे होए जीवन दीआं घड़ियां नूं आप जी सफलियां बना रहे हो। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी अपार दया सदका जिन्ना वक्त प्राप्त हो रहा है सफला बनाउण दा जतन करिए। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज गुलाबे ते पंजाबे दे चुबारे विच माछीवाड़ा साहिब की धरती ते सुभायमान हन। एक रात कट्टी समें दीआं हकूमतां दे कोलों दोनों ही मसंद सिख डर गए। पैर पैर ते टिड्डी दल, पैर पैर ते फौजां घरां दी तलाशी लैंदियां फिरदियां। आखिरकार डर इस सता तक पहुंच गया, एक थाल भरिया मोहरां रखियां, मिठे पदार्थ रखे, रखिया विच वस्त्र। गुरु कलगीधर पातशाह नूं आके गुलाबा ते पंजाबा कहण लगे, सच्चे पातशाह किरपा करके साडा घर छड्ड जाओ, किते तुहाडी वजह करके साडा बाल बच्चा परिवार ना मारिया जाए। जिस गुरु की कृपा सदका घोड़िया के व्यापारी बने, घर में सुख ते आनंद आया। अज जो भीड़ का वक्त वेखिया ते गुरु नूं कह दिता, महाराज साडा घर छड्ड दिओ। जो सिख तहाउण वाले दगेबाज हो गए, समय की हकूमत की चाकरी करने वाले दो सिपाही गनी खां ते नबी खां जो मुसलमान हैं, जो गुरु कलगीधर पातशाह जी दे कोल आए, सतगुरां नूं बेनती की, पातशाह आप जी की सेवा दे विच जीवन हाजिर है, हुक्म करो। हुण गनी खां नबी खां बीबी उमरी दे पुत्र ने, जो कोटला निहंग खां दे भुआ जी हैं। ये सारा ही परिवार गुरु कलगीधर तो आपा कुर्बान कर रहे हैं। फिर गनी खां नबी खां ने सतगुरां दे वास्ते नीले बस्त्र रंगाने चाहे, पर किते कोई ललारी नहीं मिलता, किते कोई मठ नहीं मिलता, क्योंकि अंतां दी सर्दी है। आखिरकार एक सूत का कत्या होया वस्त्र जो माता हरदेई का भेटा किया ललारी को लेके आए ने, उस वस्त्र नीले रंग में रंगिया गया, सोहना चोला बना के गुरु कलगीधर पातशाह भेट किया। सतगुरां ने वह वस्त्र पाए। इधर माछीवाड़ा साहब के दशमेष पिता लभदियां फिरदियां ने फौजां ते हकूमतां, थां थां ते नाके लगे आ। उधर दशमेष पिता के छोटे छोटे लाल बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जिन्हां बीती रात ठंडे बुरज विच गुजारी, अज दा दिन चढ़िया। सूबे सरहद की कचहरी सजी है, हर प्रकार के लोग इस कचहरी में तमाशा देखने वास्ते इकट्ठे हुए ने, सलाम नाल जुड़े हुए।
ठंडे भुज विच कैद। इस करके पीता भी ना कोई वस्त्र होना, भुख ते प्यास अगे ये कमजोर हो जाणगे, झुक जाणगे, डर जाणगे। गुजरी रात माता गुजर कौर जिया ने अपने पोतियां नूं गुरु साहिबां दा इतिहास सुनाया, वड्डियां दे किस्से सुनाए। सवेर दा वेला होया, सिपाही आए ने ठंडे बुरज दी दहलीज ते, आखण लगे माता तुहाडे पोतियां नूं लैके जाणा है। सूबे सरहंद दा फरमान आया, हुक्म आया, माता जी ने बच्चियां नूं तैयार करके भेजिया, आखिया पुत्रो डोलना नहीं। बाबा फतेह सिंह आखन लगे, दादी मां भरोसा रखियो, डोलांगे नहीं, तेरा लाल इस कचहरी नूं फतेह करके जित के आऊ। जदों सत्तां वरियां दे बाबा फतेह सिंह ने यह वचन आके दादी मां गुजरी ने घुट के कालजी नूं लाया, मत्था चुमिया, आशीर्वाद दिता, ठंडे बुरज तों खड़ के दादी तक रही है, हंसां दीआं जोड़ियां बुरज दीआं पौड़ियां उतरियां। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह चले ने कचहरी वाल, जिथे अजकल गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब सुभाएमान है, इथे लगती सी बहुत बड़ी कचहरी। आसे पासे खुला पंडाल सी, खुला ग्राउंड सी, वड्डियां वड्डियां दीवारां, जिथे अज वड्डा रोड चलदा, इथे वड्डियां कंधां सी कहे। इस कचहरी विच बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह नूं सिपाही लैण वास्ते आए। अज कचहरी बड़े होर तरीके नाल बनाई गई। सब तो वड्डी सियासत खेडी गई, वड्डा दरवाजा कचहरी का बंद किया गया, बिल्कुल छोटी जी ताकी खोल दिती भी जदों कलगीधर पातशाह दे पुत्र इस कचहरी विच आउणगे, उह इन्ना कनीम है जिहदे विच सत्त ते नौ साल दिआं मासूमां नूं भी सिर चुकाउणा पै। सोचो किड्डा कु वड्डा होगा, किन्ना नीवां होणा। इह सियासत सी भी जदों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी सिर नीवां करके अंदर प्रवेश होणगे, कचहरी विच जा अली दे नारे लाए जाणगे भी कलगीधर दे पुत्तरां ने नवाब साहब नूं सीस नवाता, इन्हां दीने इस्लाम कबूल लिया, क्योंकि सिर झुकाया, रौला ते सिर झुकाउण दा सी। ते कदे सोच के वेखी, उन्हां सिर नहीं झुकाया हकूमतां दे अगे, ते असी सिर छड्डिया ही नहीं भी जिहदे अगे नहीं झुकाउणा। किन्ना फर्क है। चलदे चलदे बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह अगे आए, दरवाजे तों बाहर खड़ गए। सिपाहियां ने आखिया अंदर चलो, बड़ा अदब कर रहे ने, बड़ी रिस्पैक्ट नाल बोलदे आ, क्योंकि वह प्यार मुहब्बत विच चुकाउणा चाहुंदे आ, बच्चे छोटे है। बाबा फतेह सिंह जी जोरावर सिंह नूं पुछदे आ, कहिंदे वीरा किवें चलीए अंदर, दरवाजा क्यों बंद है, तुसीं वेखो सोच किड्डी वड्डी होगी। बाबा जोरावर सिंह आखण लगे, छोटे वीर जिवें जिवें मैं करां उवें उवें तूं करी, आपां सिर नहीं झुकाउणा, इन्हां काफरां ने सानू झुकाउण वास्ते इह चलाकी खेडी आ। नौ साल दे बाबा जोरावर सिंह, सत साल दे बाबा फतेह सिंह नूं आखण लगे, कहिंदे आपां झुकणा नहीं, कढ के फतेह बुलावांगे। हुण कचहरी विच आउण दा पता लग्गिआ वी सतगुरां दे पुत्तर आ गए ने, सूबा सरहंद मुछां नूं ता दे रहा भी बस अंदर प्रवेश होणगे ते अंदर नगारे ते ढोल वज्जणगे, भी गुरु गोबिंद सिंह दे लाला ने सिर नीवां कर लिया। पर होया उल्ट, सब तो पहला बाबा फतेह सिंह ने अपना तिलेदार जोड़ा छोटी जी ताकी दे विच रखिया, ते फिर बाबा जोरावर सिंह ने चरण अंदर कीते, पैर अगे कीते, तिलेदार जोड़े पाए, चरणा विच सोहणे सोहणे समय की हकूमत नूं जुत्ती विखाई, जद अंदर दरवाजे दे बड़े गज वज के आखिया, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह एडी उच्ची सी, कचहरी गूंज गई। बाबा फतेह सिंह ने हथ खड़ा कर इस कचहरी विच बोले सोने हाल दे नारे लाए, कहिंदे थर थर दम गई, सोचिया सी सिर झुका के अंदर आउणगे, पर होया कुछ होर, इत्थे जुत्तियां दीआं लोकां विखांदे। भाव की सी, सूबिया तेरी कचहरी, तेरे हुक्म, तेरे लालच ते तेरे डराबे साडी जुत्ती दी नोक ते ने। आखो सतनाम,
80 मीटर ਦੇ पर फिर भी कोऑपरेट किया गया कचहरी विच क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके द्वारा दीने सलाम च लैके आना चाहते। पहले दिन से बड़ा प्यार वंडिया कपट का प्यार है ही। बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह हेक तान के खड़ गए नीले बस्त्र पाए सिर तो चरणा तक दशमेश के दुलारे सूबा सरहद वाले अखां खोल खोल के वेखते ने सारी कचहरी ताड़ ताड़ तक दे डारी कोई उस वेले पैरवाई की सोचानंद खत्री ने जिन्हों खालसा पंथ झूठानंद खत्री आखद ये पापी सी गुरु घर विरोध रखता क्योंकि किमें ना किमें गुरु घर के नाल अपनी धी का डोला देना चाहता सी पर कबूल नहीं हो रंजिश करता सूबे सरहद के नाल इस खत्री का उठना बैठना बड़ा सी। वेखो जिस वेले इस्लाम के लोग हिंदुआ के कातल बने उस वेले ये लोग उन्होंने चमचे बने मुला काजी खड़े हुए बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह को चल के आए बड़े प्यार नाल बैठे कहिंदे बजे हो बहुत सोहणे हो तुसीं बड़े महबूब हो बड़े प्यारे हो तुहाडी आवाज बड़ी मिठी है ये चलाकियां सी उहनां कहिंदे इस कचहरी विच आए हो तुहाडे माण वास्ते अज वजीद खां जी बैठे आ इन्हों अदब सहित सिर झुकाओ सलाम करो। बाबा फतेह सिंह बोले आखन लगे भुल जा ए सिर पिता गुरु कलगीधर पातशाह दा ए सिर गुरु नानक साहब दा ए झुकाया नहीं जा सकता कटिया वढ़िया जा सकता सतनाम किसी झूठे दरिया भी बादशाह पातशाह के सामने नहीं झुक कहिंदे इन्नी बेइज्जती सुन के वजीद खां पानी पानी हो गया भी छोटे छोटे बच्चे डरते किसे तो नहीं। फिर वजीद खां बोलिया बच्चे हो तुहानू राज भाग दे देंगा सूबेदारियां सोहणियां नारां दे डोले दिते जाणगे बेगमां दे। बाबा फतेह सिंह हसी जान बाबा जोरावर सिंह मुस्करा रहे ने भी बोल की रहे हैं सोने चांदी विच तुहानू मर देंगे सोहने घोड़े दे देंगे सोहने खड़ौने दे देंगे महिलां विच तुहाडी परवरिश होएगी। वेखो तुहाडा पिता मारिया गया तुहाडे भरा मारे गए परिवार तुहाडा उजड़ गया आनंदपुर तुहाडे कोल रहा नहीं तुसी लावारस हो गए हो तुहानू इन्ना कुछ मिलदा है सिर्फ दीने इस्लाम कबूल करना है होर कुछ नहीं कलमा पढ़ लो। बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह आखन लगे सूबिया तेरा हुक्म कल भी होर अज भावे होर परसो होर होवे साडा इरादा जो अज सी ओही कल होना को सतनाम ठोकरा मार दिया तेरे पदार्थां। उस वेले पैरवाई करदा होया सुचानंद खत्री अगे आया कहिंदा मैनू कुछ समा दिता जाए ये सवा तीन तो चार घंटे लगी पहले दिन फटाफट उन्होंने बाजार तैयार कराए गए जिस बाजार में खड़ौने खाण वाले मिठे पदार्थ दुकाना लाइया गई तो एक दुकान लाई गई जिदे नुकीले ते तिखे हथियार सन। अद्धा समा इस कचहरी में जो साहबजादियां दे सामने लालच परोसे गए पर किते भी कामयाब ना हुए सोच के देखो अज दे समय किसी के घरे ना कोई एक सिपाही आ जाए वड्डियां वड्डियां नूं वक्त पै जांदा वड्डियां वड्डियां कहिंदे कहुंदियां नूं धन सी बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह सिपाही अगे पिछे ते नाल ही ने बड़े दिनां दे कैद भी कीता है गिरफ्तार भी कीता है एक राजे दी सूबे दी कचहरी च पेश कीता है कोई उत्थे भी डरदे नहीं उह उत्थे भी ताड़ ताड़ बोलदे आ कोई घबराहट नहीं कोई शिकन नहीं। आखिरकार सुचानंद खत्री नाल लैके गया ਕਹਿੰਦੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਜਦਕਿ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਖਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨੇਜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਸੁਚਾਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ जहां अपना तुसी सवाल कर लो। फिर सूबा पुछदा है जे तुहानू छड्या जाए ते की करोगे ते बाबा फतेह सिंह हस के आखन लगे कहिंदे जे छड्डेगा
ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਬਾਗੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜੰਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਡਰ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚਾਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਹਾਂ ਬਨਾ, ਇਹ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗੂ ਡੰਗਣਗੇ, ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਬਿਆ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ, ਤੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਚੇਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਚਮੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗਤ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡੜੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਜਦ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਹ ਬੋਲਿਆ, ਜਦ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਡੋਲਿਆ ਨੀ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੌਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਰਾਤ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਦਾ ਮਿਹਰ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੈੱਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੜਬੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਗਰਮਾ ਗਰਮ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੀਤੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਡਰਿਓ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗੇ,
पर दादी तेनू यह झूरा नहीं होगा भी तेरे पोते ते दोते डोल गए असी नहीं डोल गए तू चिंता ना करी मन तू झूरा ना लाई असी कल सूबे की कचहरी में जाके फिर जिवें वह साडे नाल करू असी वह वेख लांगे। अज की रात ठंडड़े बुरज की दूजी रात है अत की सर्दी चली है किन्हां लई सानू आजाद कराउण लई पर असी फिर गुलाम हाँ सोच साडी गुलामां वाली है सोच साडी पखंडा वाली है सोच साडी पहमा भरमा वाली है पर उन्होंने सानू उन्हां कर्मकांडा पखंडा चो कढ के आपा कुरबान कीता ते सानू सुखी बनाया असी सुखी होके भी सुखी नहीं रह सकते। ऐसिया शहीदां दे चरणां विच बारंबार वंदना ते प्रणाम की उन्हां दा देण दे सकदे आ ते सोच भी नहीं सकते पर इन्हां दिनां विच उन्हां महापुरखां नमस्कार करिए चरणी मत्था टेकीए उस धरती ते सजदा करिए ते अपने बच्चियां नूं सरहंद दा इतिहास दसीए ता जो पता होवे साडे परिवारां नूं वी साडे वड्डे बाबेयां ने साडे लई की कुछ कीता उह बाबे ने साडे महान रूहां ने उह जिन्हां नूं सारी दुनिया सजदा करदी ते आपां वी करिए। सवाओ चल रहे पावन प्रसंग जिस विच आप जी ने गुरु नानक साहिब दी कथा दे विचों सरवण कीता छोटे जे बच्चे ने आख्या महाराज जदों मेरी माता ने मैनू आख्या तो पहला छोटियां लकड़ां ला के अग वाल मेरे मन में आया भी काल मौत ते अग इनी बख्शी दे सी जेड़ा इन्हां दे सामने आवे ये साड़ दिंदे ने सवाह कर दिंदे ने खत्म कर दिंदे ने ते महाराज मेरे मन में मौत का डर आया मैं तुहाडी संगत में आ गया हुण संगत में आके डर मुक गया। गुरु नानक साहिब महाराज कहिंदे पुत्तरा तू धन है तेरी कमाई धन है तेरी वड़ियाई धन है सारिया संगत छोटे जे बच्चे वाल वेख दी भी अमृत वेले जागदा ते सोच किड्डी महान है इसे कौम ये पंथ गुरु नानक साहब का है इत्थे सत सत ते नौ नौ साल दियां जिंदां ने शहादतां दे जाम कीते ते इक असी आ बुढ़े हो गए अजे तक ये नहीं पता लग्या भी पंज बाणियां किवें कंठ करी लईआं सतनाम जपजी साहब कदों पढ़ना ते रह रस कहे वेले पढ़ना गुरु भला करे कि सानू भी समझ आ जाए साडा भी प्रेम सिक्खी नाल बन जाए। सुआओ जिवें गुरु पातशाह कृपा कर रहे ने मन बिरतियां नूं एकाग्रचित करिए प्रेम की सांझ पाओ बख्शो आसीस गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तहशिन संगत सोसिस बानी सर्ब रहे हिरदे बिस्मानी करतारपुर साहब दी पावन सरजमी ते जदों ये छोटे जे बच्चे ने गुरु नानक साहब दे सन्मुख बैठ के अपने दिल दा हाल सुना दिता ना पातशाह हुण मैनू काल तो डर नहीं लगता मैनू मौत तो डर नहीं लगता क्योंकि मरना ते सच है। एक वक्त ऐसा आया ईसा जी कब्रस्तान चले गए कहते मैं कब्रस्तान विच उन्हां लोकां दीआं कबरां भी वेखियां जिहड़े जिंदगी विच मरन तो डरदे सी जिन्हां ने जिंदगी च कोई चंगा काम ही नहीं कीता कि मरी ना जांदे कहते मैं वह भी सुते वेखे उत्थे वह भी मरे हुए वेखे बच्चे ने आखिया पातशाह मैनूं मौत तो डर नहीं लगता ज्यों ज्यों तेरी संगत विच बैठदा हाँ सतसंग विच आउंदा हाँ मैनूं अंदरों बड़ा हौसला ते अंदरों प्यार मिलदा है मेरी रूह तुहाडे नाल जुड़ गई ते संगतां वेख लो छोटे जे बच्चे वल भी इन्नी छोटी उम्र विच एड्डा वड्डा ज्ञान इन्ना जुड़िया होए सारे आश्चर्य हन अल्प बैस सतसंग मजाई निर्मल किनी समत बिचारी मत बड़ी उज्जल है मत दा ही रौला सारा साडिया ख्यालां नूं किसे ने नहीं वेखना साडा लिबास किसे ने नहीं वेखना वेखिया जाणा साडा हिरदा साडी मत किन्नी कु उच्ची है साडे विचार अंदरों मन करके किन्ने कु सुजे ने सुचमता ते मन दी देखी जाणी जिदन मन सोचा ते तन आप ही हो जाए। गुरु नानक साहब जी के सन्मुख बैठे बच्चे ने अपने विचार रखे कोई डर नहीं कोई भय नहीं कोई खौफ नहीं कोई चलाकी नहीं कोई लालच नहीं सारिया चीजा तो रहत सी संगत आखन लगियां पातशाह ऐसी कृपा साडे ते भी कर दिओ जे मासूम ते कीती है
ਇਕ ਜਗਤ ਧੰਦੇ ਲਪਟਾਇਓ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰਬ ਬਿਰਮਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਜਗ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਧੰਦੜਾ ਲਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਮ ਧੰਦਾ ਕਰਤੇ ਭਾਈਓ ਤੁਮ ਕੂੜ ਕਮਾ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੰਦ ਪਿੰਡ ਰਹੇ। ਆ ਦੁਨਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਹਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਸਮਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਧੰਦੇ ਚ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੈ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਫਾ ਹੋਇਆ ਮਰੂ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਅਕਾਇਤ ਕਾਲ ਵਾਂਗੇ। ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖੀਏ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਤੇ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਜ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਜਾਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ, ਧੰਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੱਗ ਇੱਕ ਧੰਦੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਧੰਦ ਪਿਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੰਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਭਲੋ ਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਤਵ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤੇਸ਼। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੇ, ਲਾਹਾ ਖੱਟੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਜੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਮਾਨਾ ਮਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਟਕਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੱਗ ਧੰਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕੇ ਜੀਉ ਮੱਛਲੇ ਚੇਵਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲ। ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਮੱਛਲੀ ਚੀਵਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਮੱਛੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਚ ਆਪ ਫਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪਤਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਗਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੀਵਰ ਮੇਲੇ ਉਹ ਜਾਲ, ਝੀਵਰ ਨਾਮ ਝਿਉਰ ਦਾ ਹੈ, ਝੀਵਰ ਜਿਹਦੇ ਜਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ,
ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੀਵਰ ਆਖਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੀਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਲ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਪਸਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਫਸ ਗਈ। ਫਸੀ ਕਿਹੜੀ, ਜਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੌਤ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ, ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੋੜ ਲਏ, ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਭੀਲੂ ਜੀ। ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਰਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਪਰ ਸਾਹ ਘੱਟ ਗਏ, ਸਵਾਸ ਘੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਝੂੜਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਵੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇਸ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇਣ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਕਰ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਕੀ ਲੁਝੀ ਹੈ। ਬਸ ਮਨ ਲੁੱਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਹ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵਨ ਮੋਰ ਹੋਰ 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 ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਸ ਖੱਜਲ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਜੋ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਆ ਮਨ ਦੀ ਮੱਛੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਮਛਲੀ ਉਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਬਚਪਨਾ ਲੰਘਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਕਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ, 70 ਸਾਲ, 80 ਸਾਲ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਹਾਵ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਾਹਾਂ ਕਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਚੇ, ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਚੁਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਅਚਿੰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਬੜੇ ਆ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਮੌਤ ਸੀ, ਇਹ ਝੀਵਰ ਬਣ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਇਆ ਪੈਂਦੀ, ਉਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਸ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਸਰਿਆ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੇਲਿਓ ਜਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਸਿਆ, ਜਾਲ 'ਚ ਆਪ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਮ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਾਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਲਾਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂ ਕਿ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਮਨ ਰੂਪ ਜੀਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਮੌਤ ਨੇ ਆਪ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਨੁ ਅੰਤ ਨ ਚੇਤੇ
पड़े अचिंता जाल। मनवा अंधना चेताई पड़े अचिंता जाल। सतगुरु कहते मन जेड़ा इन्ना क अन्ना होया फिरता है, जाल विच फस के भी सोचता मेरा गुजारा इत्थे। जद मछेरे जाल पाउंदे आ ना मच्छियां नूं फड़न वास्ते, उन्हां जाल झील विच सुट्टिया हुंदा है, दरिया च, नहर च, समुंदर च सुट्टिया है। कहिंदे जाल विच फसियां होईयां मच्छियां भी जाल दे अंदर अंदर पानी च तैर जांदियां ने। खुश नहीं अंदर, दुखी कदों होंदियां? जदों जाल बाहर कढ़िया जांदा है, साह नहीं आउंदा, पानी नहीं मिलदा, जदों फिर उस वेले तड़फदियां भी किहड़े हालां च। कहिंदे इसे तरह मन जिहड़ा अन्ना होया फिरदा है जग दे पदार्थां दे, इस जाल च माया भी जाल जिहड़ा वाहिगुरू दा पाया होया है। कहिंदे इस जाल विच उलझ उलझ के बंदे कोल अज इहो जिहे हालात बन गए, साडे कोल बंदगी दा समां नहीं। इह जीवन बंदगी वास्ते मिलिया साडे कोल है नहीं, सेवा करन दा समां साडे कोल नहीं, अपने आप कोल बैठण दा समां साडे कोल नहीं, चंगे कमां नूं एप्रीशिएट करना, चंगे कम करने करवाउणे दा समां कित्थे? हर वेले एको ही विपता पई गरीब ते अमीर नूं, मैं किवें दुनिया नूं लुट के अपनी तिजोरी भर लां। खो सतनाम साहिब कहिंदे मनुआ अंध ना चेताई, अन्ना होया मन चेते ही नहीं करदा वी जिहड़े कम मैं करदा फिरदा ते कम नहीं आउणे। जो जो मैं इकट्ठा करदा फिरदा मैथों दस गुणा वध, लखां गुणा वध लोकां ने इकट्ठे कीते जाणा ते उहनां नूं भी पै गया। लेके कोई भी कुछ नाल नहीं गया। नानक चित अचित है चिंता बता जाए। नानक चित अचेत है चिंता बता जाए। मर्द कहते ये मन जेड़ा ना इन चिंतन करना सी रब का, पर ये अचेत होया फिरदा है, चिंता ची बदा हो। हरेक मन में चिंता लगी हुई है, हरेक। गुरबाणी ने तो स्पष्ट किया, नानक चिंता मत करो चिंता, तिस ही हे जल मह जानते उपाय कै तिना फेरो जी ते। गरीब ते चिंता करे भी दिहाड़ी नहीं लगी रोटी किवें खावांगे। अज साडी हालत यह है जिहदे करे महीने का 50,000 80,000 भी आउंदा ना, उह इक गरीब नालों वध रोंदा फिरदा। उहदी हालत इन्नी माड़ी, उहदे कपड़े चजदे नहीं, उहदा खाणा चजदा नहीं, पहनणा चजदा नहीं। क्यों? क्योंकि चिंता लगी हुई है, तमा लगी हुई अंदरों, तृष्णा लगी हुई है। सतगुरु कहते हालत मनुख की ऐसी बन गई, ज्यो मछली त्यो वारसा पवे अचिंता जाल। कहते जिवे मच्छी सी उवे मनुख बन गया। मच्छी नूं भी जाल अचनचेत पैंदा है, उहनूं ते पता नहीं ना भी मैनूं जाल पा के किसी ने अज फड़ लैना है, कल फड़ लैना है। कहते मनुख नूं पता सी इस गल का भी जेड़े जालां विच मैं फसिया फिरदा मेरे काम नहीं आने। मर्द कहिंदी ये भी अचिंत जाल च फस गया, वो जाल किहड़ा मोह दा पै गया। हुण मोह तो बिना दिसदा कुछ नहीं, लोकां विच औगण दिसदे आ, आपणियां दे औगण ते आपणियां दे गुनाह भी गुण लगी जांदे आ, ते दुनिया दे गुण बुरे लगदे आ। क्यों जी? क्योंकि मोह है, मोह अन्ना है। मोह विच सिर्फ अपना अपना ते मेरा मेरा सुझदा है, पराए दा भला नहीं हो सकदा। ये असं झूठ बोलते हैं जी, असं लोगों का भला करते हैं, असं दान करते, असं पुन करते, माफ करियो। मोह विच बदा होया बंदा कहिंदे अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपणियां दे, वो अपणियां दा ढिड भरदा। सतनाम सोचू अपणियां बारे, गल्लां करन नाल धर्मी नहीं बन जांदा। सतगुरु कहिंदे मनुख की हालत ऐसी बन गई, यह चिंता बदा जाए, चिंता लाई फिरदा मन नूं, झूरा लाई फिरदा। चिंता ते करनी सी भाई इस जीवन दे विच भी, मैं चंगे कम किवें करां, सतसंग च किवें बैठां, पर नहीं, चिंता करी फिरदा पदार्थां दी। पदार्थ ते अपने आप ही आउंदे जांदे रहिंदे आ, गरीबी अमीरी हर मनुख कोले आउंदी है, पर समां ते वाहिगुरू दी बंदगी च निकलना चाहीदा। भगती ते करनी सी ना, जिस करके जन्म मिलिया सी, हीरा दरमोलक जन्म है। मनुखा काहदे लई मिलिया? रब नूं मिलण वास्ते मिलिया, भगती करने वास्ते मिले। वह नहीं करते, असी की करते फिरते? निंदा चुगली अपन चंगियाईया लोगों दिया बुराइया, जो हर मनुख का आही हाल है। कलयुग के वेले का इन्ना क प्रभाव पै गया भी अमृत वेला साढ़े को नहीं, सिमरन साढ़े को नहीं, भगती साढ़े को नहीं, दान असी नहीं कर सकते, भला किसी का असी नहीं कर सकते, सिर्फ मोह च फसे। गुरु साहब कहते आ जोड़ा मोह है ना, ये दुखदाई है भाई।
इन्हें तेन दुख देना है। जीवन में भी दुख है, मरण तो बाद भी दुख है। जिंदा जी तो चलो परिवार में बंदा फसया वो तो दुखी हो ही जाता है, मर के भी ये मन च ख्याल आ परिवार च ही प्रेत बन के फिर जाता जाता नहीं। उन्होंने लगता मेरे अपने लखा साल उस रूह च भटकता फिर प्रेत बन के, पर अपने ज्यौदे नहीं पुछते सी मरिया की नहीं पुछना है। गुरु साहब कहते तू चिंता के जाल चो निकल मना, जग सारा धंधा है, इतने जिन्हें भी रिश्ते ने लैण से देण दे पदार्थों के, पदार्थ दई चलो चंगे रहोगे, जिदन देने बंद कर दोगे बुरे हो जाओगे। जब तक जी जी करके बुलाओगे सब तुहाडी इज्जत करनगे, जिदन अपने हक मंगण लग गए सब लई बुरे बन जाओगे। आखो सतनाम ये सच है, हक मंग के वेखो अपना, अपनी औलाद कोलो, अपने परिवार कोलो, अपने मित्रां कोलो कोई तुहाडा नहीं होना, सब छड जाणगे तुहानू। ते गुरु कहिंदा मेरे कोले आ हक मंग, ते सतगुरु कहिंदे तेरा हक की है जिहनू तू गवाई फिरदा है। असी हक केड़ा गवाया, पराए हक च पै गए अपने हक छड़ते। हक का मतलब सच, जो कमाउना सी हक पराया नानका उस सूअर सुगाए, पराए हक खोंदे फिरदे आ ते अपना हक बंदगी दा भगती दा सिमरन दा सेवा दा छड़ दिता। गुरु साहब कहिंदे मच्छी वांगू जाल पै गया, हुण शिकार ही होना है, पता ही नहीं लग्या उम्र कदों लंघ गई, समा किवें बीत गया। नजर करे जे अपनी तां आपे लए मिलाए, फिर सतगुरु ने उपा भी दसता कि नजर करे जे अपनी तां आपे लए मिलाए। गुरु जे नजर करे ना ते आपे मिला लैंदा अपने नाल, कम दी ना की सी असी मिलना सी अपने आप नाल। असी लोगों मिलते फिरते लोगों बुलाते फिरते हैं, फलाना जी साडा फलाना लगता है फलानी थांदे है, कदे अपने आप नूं मिलाया रब नाल, कदे खुद नूं मिले आ रब नहीं गुमया होया। दुनिया लभदी रब फिरदी सारे धर्म, गवाचिया बंदा आप फिरदा। सतनाम भटकदे असी फिरदे आ, लभी दा रब नूं। गुरु नानक साहिब महाराज कहिंदे तू अपने आप नूं लभ के वेख, अपने आप नूं खोज के वेख। खोज कदों करेगा जिदन रब की नज़र होगी, नज़र कदों होनी है जिदन सतसंग बैठेगा, चंगिया की शोभत आएगा, सियाणियां दे विचारां नूं सुनेगा ते जीवन विच कमाएगा। महाराज कहिंदे उस दिन जीवन की तैनू समझ आ जानी है जीवन कादे वास्ते। ते जिन्हां कोल बंदगी आ ना, मैं उन्हां नूं बड़ा नेड़े होके वेख्या, वह छोटिया उमर च भी वह कहिंदे पता नहीं किड्डी क लम्मी उम्र है, पता नहीं किन्नी पई, कहिंदे हर पल ही आनंद है, हर पल। तो साडा तो इतने 24 घंटिया का दिन भी छोटा हो गया, 24 घंटिया भी साढ़े को है रोटी खाधी सौ गए, सवेरा आ गया औखे सौखे ना ले, फिर वक्त जा छिड़ गया काम करने पैने, आ करना पैना, अज कपड़े बदलने पैने, अज फलाने में छड के आना, उन्होंने लैके आना, बस आही सिस्टम चलता है। तो ये तो पशु पंछियों से की फर्क है, कोई फर्क नहीं, वह भी खा लिया पी लिया सौ लिया, वह भी सौंदे आ जागते आ, परिवार वह भी पालते आ, भावे सप्प रहन खुडा च परिवार पालते, चूहे रहन खुडा च परिवार वह भी पालते, बच्चे उन्होंने भी है। पर असी महान क्यों सी, महान इस करके सी सानू परमात्मा ने समझ दिती बंदगी दी, भी अमृत वेले जाग सिमरन कर, बंदगी कर नाम जप। मर्द कहते रब की नज़र में आ, जो नज़र में आएगा जिनी नाम ते आया गए मसरत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, उन्होंने मुख उजले ने जिन्होंने नाम जपे है, मर के कोई मुक्ति नहीं मिलती। गुरु नानक साहब स्पष्ट आखते कहते जिंदा जी ते भटकदा है, ज्यौदे जी ते तेरे को टका है नहीं, एक पल अपने कोल नहीं पैंदा, कहिंदा मर गया जी मुक्ति मिल जू, कोई गंगा ते दवा दू, कोई किते दवा दू, नहीं। बंधना ते विकारा तो मुक्त पहला गुरु करते आ, फिर गुरु की नज़र तेरे ते होनी है, जिते नजर होगी सतगुरु कहते वह अपने आप नूं मिलता है। अपना आप की है, रब रूपांसी, रब कित दूर नहीं बैठा, हिरदे च ही है, हिरदे विच ही लभ जांदा है, इथों ही प्राप्त हुंदा है। तोहर सुन सब नर गुर की बचन, भए भजन रत सोए, आत्म ज्ञान विचार हे, सारी संगत बड़ी खुश हुई, आनंद आया, क्योंकि अंदरों जीवन नूं जीउण दी जाच मिल गई।
गुरु नानक साहब के बचना ने अंदरों ज्ञान समझाता, अंदरों गल अकल टिकाने आ गई भी मना मेरे आ। सानू गुरु साहब यह नहीं कहते भी जग के काम छड़ के रजाई च माला लगे बह जा, कहते भी नहीं गया। गुरु साहब यह कहते आ परिवार विच रह, समाज विच रह, जग दे धंधे करी चल, पर इन्हां नू मन ते ना ला, इन्हां च खज्जत ना हो। खज्जत होना बंदगी च, खज्जत होना है परमात्मा की भगती च, चंगिया गुणा विच। अज साडे कोल दान ते पुन लई समा नहीं है, अज साडे कोल चंगे काम करन वास्ते कोई समा नहीं। बुरा काम होवे ना, अद्धी रात कोई आखे चल फलाने नू गाला कढ के आउणी, कहिंदा चल चलिए। कोई आखे रात नू फिल्म देखण चलिए, कोई समा नहीं, कहिंदा चल चलदे आ। ते जे सवेरे कोई सानू आखे गुरु घर जाइए, कहिंदा ना औखा बड़ा है, फलाने नू छड के आउणा लैके आउणा है, ते जद मूवी टाइम चलदा उदों छड के लैके कौण आउंदा फिर। जद कि घुमना होवे दुनिया भी उदों फिर ये काम धंधे किवें होंदे आ, मैनेज करदा हां। ते रब वेले बहाना क्यों, भगती वेले बहाना क्यों। फिर गुरबाणी नू कहना पिया, बुरे काम का ऊठ खलोया, नाम की बेड़ा पै पै सोया। बुरे काम लई अज दे वेले हर बंदा शेर है, जिथे मर्जी लग आकार गड्डी च बिठाओ, घुमाई फिरी चलो, खुश आ भी खा पी गया घूम आवे। ते लै कह दे आ चलीए फतेहगढ़ साहब, वक्त छड़ जू भाई ठंड बड़ी आ उत्थे। मैं कहा नहीं, रजाई लै जाएंगे नाल, हीटर भी लै जाएंगे, बैठा रही विच। आ हालत है साडी, चंगिया कमां लई साडे कोल समा नहीं, साडे कोल वक्त नहीं। बुरिया कमां लई मनुख भज्जिया फिरदा है, दौड़िया फिरदा है, क्यों? क्योंकि मन इन्ना क काला हो गया, इनू काले कर्म ही प्यारे लगदे आ। सतनाम गुरु साहब कहिंदे जे तू नदर विच आ गया ना, कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सवा। ते गुरु की नजर हो जाए ना एक छोटा जा कीड़ा, उन्हें पातशाह बना देंगे, बड़े बड़े लश्कर फौजा पलों च सवा कर देंगे। क्योंकि जे को सच है, तो जिदे को सच है डर कोई नहीं। तो रब के प्यारे बंदगी वाले उन्होंने कदम मौत का डर होंगे, शिकन होंगे, कदम चिंता होंगी, कदे भी नहीं। तो आ चंगे भले आप ढाई ढाई किलो सेब खाने वाले लोग भी तुरे फिरते हैं, तो मौत तो बुखार तो उन्होंने भी डर लगी। अजय करोना चाइना च आया, नींद उन्हों दी आराम ने। सतनाम भी जो वैक्सीनेशन नहीं सी उदों भी तो सरवाइव किया, उदों भी तो दुनिया बची रही। जिदन मौत आ गई बचा लो, कोई कोई नहीं बचाता। यही अज गुरु साहब ने सानू समझाया, कहिंदे सतर्क सावधान रहना, चंगे गुण ते चंगे अमल कमाने ने जीवन विच, किते मच्छी वांग इस दुविधा दे जाल च ना पै जी भी सब कुछ मेरा हो गया ते सब कुछ मेरा है। इत्थे वह भी रोंदे गए जिन्हां दे भी पुत सी, हसदे वह भी रहे ने जिन्हां दे घर औलाद कोई नहीं सी। आखो सतनाम, वह भी खुश रहे ने। गल ते जीवन दी जांच है, जीवना कदों आऊ, जदों गुरु वाले बन गए। ते जिदन गुरु वाले बन गए, किसे दा बुरा नहीं, किसे नाल वैर नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, ना कोई लोभ है, ना कोई लालच है। मैं कहना असीं कल्ले बह के जे ना अपने आप नूं खंगालीए, सोच के वेखिए साडा फलाने बंदे नाल रिश्ता कद है, साडा मन कहूगा लालच दा, तैनूं उहदे तों आह मिल सकदा है, उत्थों आह मिलदा है, वह इत्थे जा सकदा है, तेरे नाल इत्थे काम आउंदा है। जे बह के वेखिए जिवें असीं सोचदे आ, एवें जे दुनिया सोचे ते नाता रही ना किसे दा। जिन्ने रिश्ते ने सारे पदार्थां दे, माया दे भी। गुरु साहब कहिंदे बंदे आ तू रिश्ता रब नाल बना, जिदन तू रब नाल जुड़ गया वह दुनिया तेरे चरण धोंदी फिरूगा। सतनाम पर अज असीं जुड़े फिरदे आ पदार्थां नाल, परछावे फड़दे फिरदे आ, परछावा अगे अगे असीं पिछे पिछे। जिदन असीं रब रूपी सूरज वल मुख कर लिया ना, तो फिर परछावा साडे पिछे, पदार्थ साडे पिछे, साडे अंदर लालच नहीं आउणा। इह कदों आउणा है, जो भगती होएगी, सिमरन होएगा। इस बच्चे द्वारा गुरु नानक साहब महाराज ने उपदेश बख्शिश किया, कहते भाई अंदरों चिंता त्याग दो, दुविधा छड़ दो, निरंकार ते डोरां छड़ दो, किरत जीवन विच करदे रहो, चंगे कर्म करदे रहो, बंदगी करदे रहो, आप ही उन्हें कृपा कर देनी, एक दिन अपना बना लेना है। ये जान लई जग एक धंधा है, जग झूठ है, मरना सारिया ने है, ते जो मरना ही है ते इन्ना कुछ क्यों कट्ठा करा जो मार नहीं जाना। गुरु नानक साहब के बचना सुन के संगतां झुकियां, छोटे जे बच्चे तो सिखिया भी इन्हें मौत का खौफ छड़ दे तो डरना की है, ये तो सच है, इन आना है। जिदन ये हिरदे विच वस गया तो उदन पल्ले बंदगी आ जानी है।
पले सिमरन आ जाना है ते उस सिमरन का आनंद बड़ा होना है। वाहे गुरु